कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। ग्रेट मॉर्निंग विद योर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद आपको नमस्कार कर रहा है। आज का ये जो लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं बेटे, ये फोर्थ लेक्चर है जनरल एंट्रेंस का। मैं पहले तीन लेक्चर्स आपको बता चुका हूँ और तीनों लेक्चर्स में मैंने बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक अप्रोच ऐसी बताई जो बड़ी बेसिक लॉजिकल अप्रोच थी। इसका मतलब आप कभी भी जनरल एंट्रेंस पास करते हैं तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैंने आपको पीछे तीन लेक्चर्स में कुछ बेसिक बातें बताने की कोशिश की बेटे, आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। आप समझ लीजिए आज के लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है बेटे। बाइसाइकिल को सिखाना मैंने बताया, आज आपको बाइसाइकिल में बिठाना है और बेटे आपको कहना है कि पैडल मारो और हैंडल को ध्यान से पकड़ना। बेटे मैंने पीछे से कैरियर पकड़ा होगा, आप डरना मत, मैं छोड़ूंगा नहीं बेटे। जब तक आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा साइकिल चलाने का, बेटे मैं पीछे से कैरियर पकड़ के रखूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, आप बिल्कुल डरना मत। आइए बेटे, आज रजिस्टर खोलना बहुत जरूरी है, आज वो बुक खोलना जरूरी है जो बुक मैंने आपको दी है बेटे। जबकि वो बुक का जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं मैं भी स्क्रीन के सामने लेकर आऊंगा, लेकिन वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास सारे औजार होने चाहिए। जैसे कारपेंटर के पास बेटे अलग अलग तरह के औजार टूल्स होते हैं और उसकी मदद से वो क्या करता है, सारा अपना काम करता है, चेयर कुर्सी टेबल सब बनाता है। इसी तरह से एज ए अकाउंटेंट बेटे आपके पास सब औजार होने चाहिए। औजार भी क्या, एक रजिस्टर होना चाहिए मोटे वाला, पेन होना चाहिए, हाइलाइटर्स होने चाहिए, किताब होनी चाहिए और उससे भी ऊपर इरादे बुलंद होने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, सकारात्मक विचार होने चाहिए। कहते हैं लाइफ में सब कुछ मिल जाता है अगर आप पॉजिटिव होते हो तो। आइए भूपेश आनंद के साथ हम इस ज्ञान की गंगा में बहें और बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठे बैठे मैंने आज के लेक्चर का नाम डाल दिया आ ला कागज कलम दवात ला, लिख दूं मैं नाम तेरा अपने नाम के आगे। लेक्चर नंबर 4 बेटे जनरल एंट्रेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, खुश होके करेंगे, जॉली होके करेंगे, चीयरफुल बन के करेंगे। बेटे जब आप बहुत छोटे थे ना तो बहुत खुश रहते थे, बहुत ज्यादा जॉली थे, बहुत ज्यादा चीयरफुल थे, छोटी छोटी बातों में ध्यान ही नहीं देते थे। आजकल पता नहीं क्या, इसने ये कह दिया, उसने मेरे को ये आंसर दे दिया, व्हाट्सएप में ऐसा क्यों बोला। नहीं बेटे, आओ आओ बेटे, ग्रेट मॉर्निंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में मैंने आपको तीन लेक्चर्स करा दिए, मैंने आज झंडा फहराना है बेटे फोर्थ लेक्चर में। बेटे आज मैं ये जो फोर्थ लेक्चर है ये स्टार्ट कर रहा हूं, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बेटे लेक्चर नंबर 4, लेक्चर फोर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको मैंने लास्ट दो तीन लेक्चर्स में, शायद किसी लेक्चर में बताया कि बेटे जनरल एंट्रेंस को पास करने के लिए पहले यूरोप से एक आइडिया आया। यूरोपियंस ने सबसे पहले डेवलपमेंट किया, वहां पे उन्होंने कुछ थ्योरीज बनाई, उन्होंने लॉजिक्स बनाए, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स बनाए, तो बेटे वहां से जो स्टाइल आया उसका नाम हमने डाला यूरोपियन स्टाइल। बेटे उन्होंने अकाउंट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, नॉमिनल, रियल और पर्सनल, जो मैंने अभी नहीं बताया बेटे। वो लेजर अकाउंट्स आएंगे तो बताऊंगा, लेकिन जनरल एंट्रीज में वो अकाउंट्स भी हम यूज करते हैं, लेकिन बेटे वो रट्टाफिकेशन है, आप कृपया करके मत करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटे। कुछ वर्षों के बाद अमेरिकन स्टाइल आया बेटे, अमेरिकन स्टाइल ने अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो किया और उसके कुछ वर्षों के बाद बेटे भूपेश आनंद का इंडियन स्टाइल आया और उस इंडियन स्टाइल को बोलते हैं आत्मा। बेटे जो दोनों यूरोपियन और अमेरिकन स्टाइल में चल रही है, जो आत्मा घूम रही है बेटे वो इंडियन स्टाइल है। वो भूपेश आनंद ने बताया कि आपको सोचना क्या है बेटे। मैंने आपको लॉजिकली ये बताया था कि किसी भी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में, कि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और ब्रांच बनानी है। लेन लेना, लेना लेन क्या लिया, गेट क्या कर रहे हो, और बेटे देन देना क्या गिव अप कर रहे हो। बेटे चार सिचुएशंस बताई थी, थिंग्स सर्विसेस प्रॉमिस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और जब तक अकाउंट्स चलता रहेगा इस दुनिया में मैं इन चार सिचुएशन से हटूंगा नहीं,
आपको इन्हीं में से लॉजिकली बताऊंगा। और मैंने कुछ बातें बताई थी कि हम अकाउंट्स में ग्रामर का प्रयोग नहीं करते, हम बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखेंगे, हम टू द पॉइंट बातें करेंगे, हम कीवर्ड लिखेंगे, और हम जनरल बुक को बनाने के लिए बेटे ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे। आप रजिस्टर ओपन कर लीजिए बेटे, आज लेक्चर चाह रहा है, आप जल्दी से पहले बेटे मुझे ना आज ये वाला क्वेश्चन करना है आपकी बुक का। पहला क्वेश्चन है बेटे, पहला प्यार कंसेप्ट 7 बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल अकाउंटिंग प्रोसीजर। बेटे हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे, और बेटे जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो हमें लिखनी पड़ेंगी, हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, हमें हमें पहले डेट का कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, और उसके नीचे डॉलर रुपी वगैरह अमाउंट। बेटे प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना इन्वॉल्व होके पढ़ोगे, जितना मन से आज के लेक्चर को देखोगे, बेटे मैंने कहा था ना 5-6 लेक्चर जरूर देखने, उसके बाद तो आपको सब बातें समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो बेटे आज तो 4th लेक्चर है, आपने मुझे वादा किया था, वायदा निभाना पड़ेगा। आइए बेटे जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट, बेटे पहला कॉलम डेट का, दूसरा है पर्टिकुलर्स का, बेटे कारण बताएंगे, समरी लिखेंगे, तीसरा लेजर फोलियो जो अभी प्रयोग नहीं होगा लेकिन कॉलम तो बनाना पड़ेगा, फोर्थ कॉलम है बेटे डेबिट, डेबिट जिस आइटम को, जिस पार्ट को, जिस एलिमेंट को डेबिट करना है, और फिफ्थ है जिस पार्ट को, जिस एलिमेंट को क्रेडिट करना है। बेटे हम डबल एंट्री डबल इफेक्ट लेके चलेंगे। आओ 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 मेरे बेटे, बेटे पहली ट्रांजेक्शन को मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है जनरलाइज, क्या लिखा बेटे, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। बेटे मैंने आपको बताया हुआ है कि हम ट्रांजेक्शंस को ही जनरलाइज करते हैं। ट्रांजेक्शंस क्या होती है, ऐसे हादसे, ऐसे इवेंट्स जिसमें लेन देन होता है, जिसमें हमारे एसेट्स की, लायबिलिटीज की, कैपिटल की वैल्यूज ऊपर नीचे जाती हैं। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया और पहले 3 लेक्चर्स में यही बातें बताई है। तो बेटे उन ट्रांजेक्शन की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, पहला स्टेप। जैसे आप किस, भगवान ना करे आप जाएं रामलाल हॉस्पिटल में गया, तो बेटा सबसे पहले वो डॉक्टर उससे पूरा हाल चाल पूछेगा एडमिट करने से पहले, क्या था, क्या बीमारी है, क्या है, एक्सरे, ब्लड प्रेशर, शुगर सब चेक करेगा। बेटे उसी तरह से जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है हम सबसे पहले उसकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं। सीधी सी बात, जनरल एंट्रीज जब हम पास करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कौन सी ज्यादातर की बीमारी है, फिर लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंसेस एक्चुअली में डेबिट और क्रेडिट करते हैं। बेटा जनरल एंट्रीज पास तो हम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट हम अकाउंट्स के द्वारा देते हैं, फिर उसके बाद उसका बैलेंस निकालते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, वो सब बातें देखेंगे। बेटे प्लीज आज के लेक्चर में बड़े ध्यान से बैठना, January 1st बेटे देखो, बेटे 30 पूरे महीने की ट्रांजेक्शन मैंने दे दी। January 1st में क्या हुआ, January 4 में क्या हुआ, फिर 5, फिर 7, फिर 12, फिर 16, फिर 17, फिर 22, फिर 25, 25, फिर 28, फिर 30। तो बेटे कुल मिलाकर 3 और 3 6 और 3 9 और तो 11 ट्रांजेक्शंस हुई। बेटे 1100 भी हो सकती है, 11 लाख भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, हमें उसमें टेंशन है लेने कितनी हो सकती है। हमारे पास बेटे आत्मा आ गई, हमारे पास बेसिक लॉजिक अगर आ गया क्लियर आज के लेक्चर के बाद, तो बेटे हमें तो कुछ भी कर देंगे, कोई घबराना नहीं है। तो पहली एंट्री देखिए जी, रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। बेटे रामलाल ओनर है। पहली ट्रांजैक्शन मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर्स में बताई है, 28 लेक्चर्स लिए बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन, अपलोड भी कर दिए। बेटे रामलाल ने अपना बिजनेस शुरू किया, रामलाल एक ओनर है, बिजनेस एक अलग पर्सन है, दोनों सेपरेट पर्सन है, और हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करते हैं। और हमें पता है कि पहली ट्रांजैक्शन में जब कोई भी ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बेटे वो कैश या एसेट्स या बैंक या फर्नीचर या मशीनरी लेकर आता है, और जब वो लेकर आता है तो बेटे वो बिजनेस में आता है, बिजनेस में आ रहा है। तो अब मैं जितनी भी ट्रांजैक्शंस करूंगा बेटे बिजनेस के पॉइंट से करूंगा। मैं रिपीट करता हूं अपने गोल्डन पॉइंट्स, मैं जो भी जनरल एंट्रीज पास करूंगा और जो भी जनरल बुक में लिखूंगा दैट इज एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बिजनेस के हिसाब से मैं मानूंगा। बेटे मैं अकाउंटेंट किसका, मैं रामलाल का अकाउंटेंट नहीं हूं बेटे,
बेटे मैं अकाउंटेंट हूँ बिजनेस का, तो मैं देखूंगा रामलाल को एक अलग पर्सन मानूंगा, सप्लायर को सबको अलग अलग मानूंगा और बिजनेस को अलग मानूंगा, और मैं देखूंगा कि ये जो मेरा प्यारा सा बिजनेस है, ये जो मेरा प्यारा सा बिजनेस है, इसने क्या लिया और इसने क्या दिया, क्या लिया क्या दिया, क्या लिया क्या दिया, बेटे डबल इफेक्ट। बस उसके बाद अगर आपने ये करना सीख लिया, यकीन मानिए कोई मुश्किल है ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट है, रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। बेटे मैंने क्या किया, बड़ी मेहनत की। बेटे आपको क्या बताऊं मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने सभी ट्रांजैक्शंस की एक्सप्लेनेशन लिखी है। बेटे मैं एक्सप्लेनेशन साथ साथ भी लिख सकता था पढ़ाते हुए, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं आपकी तरफ उतना ध्यान ना दे पाऊं, अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो मेरा ध्यान तो नीचे होगा। तो मैंने पहले आधा घंटा लगाकर बेटे सारी एक्सप्लेनेशन की स्लाइड बनाई है। बेटे शुरू के क्वेश्चंस है ना, आपको सबको एक्सप्लेनेशन लिखनी है, कसम होगी अगर आपने ना लिखी और अगर आप झुक के बैठे। बेटे आज कसम है, मैं बता रहा हूं आज आपको, आज आपने ए टू जेड सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। बेटे एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन ऐसा क्लियर करेंगे कि इसके बाद कुछ भी आएगा तो हम छक्के छुड़ा देंगे। बेटे बेटे लॉजिक समझेंगे। बेटे आओ, बेटे आओ, बेटे एक्सप्लेनेशन में मैंने बड़ी प्यारी सी बातें लिखी है। लिखने से पहले मेरी बात को सुनो, मैंने एक बात कहनी है। सर क्या कहना है आपने? बेटे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक है रामलाल, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, एक रामलाल है, ये ओनर है, बिल्कुल सर ये ओनर है, और एक है बिजनेस, बिजनेस ये बिजनेस है, बिल्कुल ठीक है सर। बेटे ये ओनर है और ये बिजनेस है, आप मुझे बताइए जब ओनर ने अपना काम शुरू किया तो ये एक सेपरेट पर्सन है और ये एक सेपरेट पर्सन है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इसने 50,000 रुपए कैश दिए, हम अकाउंटेंट हैं इसके, बेटे हम अकाउंटेंट हैं, तो हम हर चीज बिजनेस के पॉइंट से सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि बिजनेस में क्या आया बेटे, बिजनेस में क्या लिया, क्या लिया और क्या दिया। बस बेटे पूरी दुनिया इसी में बनी हुई है, क्या लिया और क्या दिया। बस बेटे अगर हमने ये समझ आ गया कि क्या लिया और क्या दिया, यकीन मानिए आप सारे एंट्रीज पास कर लेंगे। तो आपने बस इस थॉट प्रोसेस को लेकर चलना है बेटे, ये विचार आपके माइंड में आना चाहिए। कभी भी आप जनरल एंट्री पास करते हैं तो तभी तो हमें पता चलेगा बेटे क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। पिछले लेक्चर नंबर 3 में मैंने यही तो बात बताई थी कि बिजनेस ने जो लिया या जो लेगा या जो लेने या जो लेना है या जो लेगा उसको हम डेबिट करते हैं, और बेटे बिजनेस जो देगा या जो देना है या जो देन है उसको क्रेडिट करते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो बताइए बताइए बिजनेस में क्या आया बेटे, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में बेटे कैश आया, आएगा आने वाला बेटे कैश आया। इसके बदले में बिजनेस ने कुछ दिया नहीं, सोचिए बेटे बिजनेस ने एक चीज दी, आप बस सोचिए क्या दिया होगा, सोचिए। बेटे रामलाल ओनर है, एक बात समझ लेना, हम जब भी ओनर कोई भी ट्रांजैक्शंस करेगा ना बिजनेस के साथ, हम ऐसे मैटर ऑफ रिस्पेक्ट उसका नाम नहीं लिखेंगे। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा क्या बोला मास्टर, मैंने कहा जब रामलाल एक ओनर है, जो भी ओनर है, अगर ओनर बिजनेस के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस करता है, जैसे उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, उसने एसेट इंट्रोड्यूस किए, या बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग्स ली, तो हम एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट रामलाल का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उसकी जगह या तो लिखेंगे कैपिटल, मतलब अगर उसने एसेट इंट्रोड्यूस किए तो बेटे एज ए कैपिटल ही तो इंट्रोड्यूस किए होंगे, तो हम कैपिटल लिखेंगे, और अगर उसने एसेट्स विड्रॉ किए, अगर उसने एसेट्स विड्रॉ किए तो बेटे हम ड्रॉइंग्स लिखेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, हम ओनर का नाम कभी नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर यही रामलाल सप्लायर होता, रामलाल से मैंने सामान खरीदा होता, रामलाल मेरा क्रेडिटर होता, तो मैं रामलाल का नाम यूज करूंगा, या रामलाल मेरा कस्टमर होता, रामलाल मेरा डेटर होता, तो मैं रामलाल का नाम यूज करता। बट अगर ओनर रामलाल ओनर है, तो बेटे चाहे कोई भी ओनर हो, रामलाल की तो बात ही छोड़ दो, हम रामलाल का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह डेटर लिखेंगे,
उसकी जगह कैपिटल लिखेंगे या ड्राइंग्स लिखेंगे। एक बच्चा कहता है सर दोबारा बताओ। ठीक है बेटे बिल्कुल बताओ। बेटे पहली ट्रांजेक्शन है दोबारा से पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा और फिर जर्नल एंट्रीज को पास करूंगा। बिल्कुल आराम से करना है, एक ही क्वेश्चन है, इसी को करना है, प्यार से करेंगे, टेंशन नहीं है। पहली ट्रांजेक्शन है बेटे, पढ़ते हैं दोबारा। रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। रामलाल ने अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी, अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट की 50,000 रुपए की लागत से एज ए कैपिटल। तो बेटे मुझे बिजनेस के लिए सोचना है, आप बताइए ये बिजनेस है, बिजनेस में क्या आया? कैश आया। और बिजनेस ने एक बात दी भी बेटे, प्रॉमिस दिया बेटे। किसको प्रॉमिस किसको दिया बेटे? रामलाल को दिया, लेकिन क्योंकि रामलाल ओनर है। अच्छा पहले ये बताओ प्रॉमिस किस चीज का दिया, सोच के बताइए। प्रॉमिस इस चीज का दिया कि हम आपको ये 50,000 रुपए जो आपने हमारी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, हम ये 50,000 रुपए आपको वापस कर देंगे। हम इस बात की एश्योरेंस दे रहे हैं, हम इस बात का वायदा कर रहे हैं, हम इस बात का प्रॉमिस दे रहे हैं कि हम ये 50,000 रुपीस आपको रिटर्न करेंगे। बेटा ये वायदा दिया। अब किसको वायदा दिया? रामलाल को। रामलाल ओनर है तो मैं रामलाल का नाम ना लिख कर लिखूंगा बेटे, रामलाल ने कैपिटल दी तो मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। आराम से बेटे 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 कुछ मुश्किल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आप पहली ट्रांजेक्शन पढ़े, बिजनेस के लिए सोचें, बिजनेस में कैश आया और बिजनेस ने प्रॉमिस दिया। प्रॉमिस किसको दिया? रामलाल को दिया, क्योंकि रामलाल ओनर है तो मैं या तो कैपिटल या ड्राइंग यूज करूंगा रामलाल की जगह, तो मैं लिखूंगा कैश। क्योंकि आया तो बेटे कैश को डेबिट करना चाहिए और प्रॉमिस दिया तो बेटे प्रॉमिस को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन प्रॉमिस रामलाल को दिया, रामलाल ओनर है तो मैं यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा और कैश को डेबिट करूंगा। बेटे मैंने इसकी बड़ी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन लिखी है, एक बार आप ऐसा करें पहले वो एक्सप्लेनेशन लिख दें, फिर आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करने वाला हूँ। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से बेटे। बेटे देखो मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेनेशन बेटे, जनवरी फर्स्ट जनवरी बेटे पहली तारीख, साल का पहला दिन बेटे, कैलेंडर ईयर का फर्स्ट डे, उसने पंडित जी को बुलवाया, नारियल तोड़वाया, पानी निकलवाया, पानी पिया और आरती करके बिजनेस का धंधा शुरू कर दिया। बेटे 50,000 रुपए जेब से निकाले और बिजनेस में दे दिए, ये ले बिजनेस, तू मेरे से 50,000 रुपए ले। बेटे बिजनेस तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये ले बिजनेस, तू मेरे से 50,000 रुपए ले। एज अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट रामलाल इज अ डिफरेंट पर्सन, बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन एंड वी हैव टू अज्यूम लाइक दिस ओनली। सो मैंने नीचे क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन लिखी, बड़ी प्यारी सी है बेटे, आपको पता है, मुझे मालूम है क्योंकि आप शुरू से लेक्चर्स देखते आ रहे हो मेरे, अकाउंटिंग इक्वेशन के देखे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के देखे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इनको लिख लो। पहले क्वेश्चन है ना बेटे, पहला है ना, मैं जैसे कह रहा हूं बेटे वैसे करो। प्लीज ए पॉइंट, एज पर बिजनेस एंटिटी अजम्पशन वी विल थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। एंड रामलाल एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन्स, हमें पता ही है कि रामलाल और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रामलाल एक नेचुरल पर्सन है। नेचुरल मतलब जिसकी नेचुरल बर्थ हुई है, आर्टिफिशियल मतलब जो हमने क्रिएट किया है आर्टिफिशियली, जिसकी नेचुरल बर्थ नहीं हुई बेटे उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कोई बिजनेस है तो वो आर्टिफिशियल है, हमने क्रिएट किया है। तो मैंने कहा बोथ आर डिफरेंट पर्संस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंटिटी अजम्पशन एंड अकाउंटेंट विल से दैट दीज आर द टू पर्संस एंड आई हैव टू रिकॉर्ड द एंट्रीज ऑफ दीज टू पर्संस। सो सेकंड पॉइंट बड़ा प्यारा था। देखो मैंने रामलाल बनाया बेटे, ये रुकना है, ये रामलाल है, ये राम है, रामलाल 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 ने ये कौन है बेटे, ये बिजनेस है, झोपड़ी बनाई बेटे, मैंने मान लेते हैं झोपड़ी बनाई, झोपड़ी इज अ बिजनेस। तो रामलाल ने बिजनेस को कैश दिया, कितना
बेटे 50,000 रुपए दिए एज कैपिटल दी, तो मैं क्योंकि एंट्रीज बिजनेस के लिए कर रहा हूं तो बिजनेस में क्या आया, 50,000 रुपए आए। बिजनेस ने क्या दिया, प्रॉमिस दिया रामलाल को कि हम आपको ये 50,000 रुपए वापस कर देंगे। तो बेटे मैंने एक टेबल बनाया आपके लिए समझाने के लिए, ये देखो बेटे मैंने एक में लिखा दो कीवर्ड्स हैं, एक तो कैश है कीवर्ड और एक कैपिटल कीवर्ड है, एक कैश है और एक कैपिटल है। तो बेटे उस ट्रांजेक्शन में हमें सबसे पहले कीवर्ड देखने, एलिमेंट्स देखने, पार्ट्स देखने। बेटे कैश, कैश आया, कैश आया तो मैंने इंक्रीजिंग निशान लगा दिया, प्रॉमिस दिया, प्रॉमिस दिया तो बेटे मैंने पहले टिक लगा था, प्रॉमिस दिया तो बेटे जो आया उसको डेबिट करते हैं, जो गया उसको क्रेडिट करते हैं। तो बेटे हमने इसकी एंट्री पास करनी है, कैसे करेंगे बेटे, आराम से देखो लेन देन। मैंने हर एक्सप्लेनेशन में, हर ट्रांजैक्शन में अलग अलग फोटोज बनाई है कि आपका इंटरेस्ट जागृत रहे और आप मेरी मेहनत का आंसर, मेरी मेहनत को रिटर्न देना हो तो आप लिख लें मेरे समूह में मुझे रिटर्न मिल गया। ट्रांजैक्शन है बेटे ये मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है, ट्रांजैक्शन में एक लेन है एक देन है, कैश ऑफ ₹50,000 आ रहे, भरोसा प्रॉमिस दिया बेटे, प्रॉमिस दिया, प्रॉमिस जा रहा है। तो देखिए जी पहले लेन की बात करते हैं, सो डेबिट कैश, यही सीखा था हमने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में कि जो आ रहा है बिजनेस में उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है बिजनेस से उसको क्रेडिट कर दो। जा क्या रहा है, प्रॉमिस जा रहा है, किस बात का आप प्रॉमिस दे रहे हो, किसको, ओनर को। ओनर का नाम नहीं लिखेंगे हम, ओनर की जगह कैपिटल लिखेंगे कि भैया जो तूने कैपिटल हमें दी है ना, हम तुझे सुरक्षित वापस करेंगे। तो बेटे देखो हम उसको क्रेडिट करेंगे, वी विल नॉट यूज रामलाल्स नेम, लिख ले बेटा प्लीज प्लीज बेटे मुझे अच्छा लगेगा। ट्रांजैक्शन को डिवाइड करें, लेन देन, कैश ऑफ ₹50,000 आ रहा है बिजनेस में सो डेबिट कैश। अब आ जाओ देन में, भरोसा प्रॉमिस दिया टू रिटर्न मनी टू रामलाल, दैट आई विल रिटर्न द मनी टू रामलाल एंड रामलाल इज माय ओनर, सो एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट आई विल नॉट यूज हिज नेम, रादर आई विल यूज द वर्ड कैपिटल और ड्रॉइंग्स, सो वी विल नॉट यूज ओनर्स नेम, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इन केस रामलाल इज ओवर डेटर, मान लेते हैं अगर कोई डेटर होता उसका नाम रामलाल होता, कस्टमर है हमारा और उसने उधार में सामान खरीदा है और उससे हमने प्रॉमिस लिया है तो हम फिर रामलाल ही नाम यूज करते हैं, या क्रेडिटर होता तो हम रामलाल ही यूज करते हैं। बेटे खाली एक्सेप्शन किसमें है, ओनर। लिखो जी फर्स्ट ए पॉइंट, बी पॉइंट, आपने कितना लिख लिया, एक सेकंड बेटे, आपने 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 देखो जी ए पॉइंट लिखा था, फिर बी था, ठीक है जी, ए था, ए कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया बेटे, ये बी है और बेटे ये सी है, ये सी पॉइंट है और बेटे इसको डी कर लो, इसको डी कर लो बेटे, इसको ई कर लो और बेटे इसको एफ कर लो, आराम से बेटे बी। इन केस रामलाल इज ओवर डेटर और कस्टमर गिविंग प्रॉमिस टू पे अस, क्योंकि अगर वो डेटर होता उसने हमारे से उधार में सामान खरीदा होता तो वो हमारे को प्रॉमिस देता कि मैं आपको इस दिन पैसे दे दूंगा। जैसे मैंने बबली और बंटी का एग्जांपल दिया था वीडियो लेक्चर 3 में कि भाई बबली ने उसको बाइसाइकिल बेची और बंटी ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को ये सामान, ये पैसे 15,000 एक महीने के बाद दे दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट, ई पॉइंट लिखिए। इन केस रामलाल इज ओवर क्रेडिटर, अगर हमने रामलाल से, हमने, हम कौन, हम बिजनेस, अगर बिजनेस ने रामलाल से कुछ उधार में सामान खरीदा होता तो बेटे हम उसको प्रॉमिस देते कि हम तुझे ये पैसे इतने दिन दे देंगे तो वहां पर भी हम रामलाल का नाम यूज कर सकते हैं। बेटे सप्लायर हो या डेटर हो, वी कैन यूज द नेम ऑफ रामलाल, बट if Ramlal is the owner, so as a matter of respect we will not use the name of Ramlal as a owner, rather we will use capital or drawings. So in case of owner, Ramlal is bringing cash as his capital or withdrawing cash as drawings, then we will not use Ramlal's name, choti si baat hai, then we will not use Ramlal's name. Aaiye ji, to ab iski entry kaise karenge, entry kya hui hai bhai, ye mera bete entry kya hui,
मैंने कहा जी कैश को डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, और जो प्रॉमिस दिया रामलाल को, तो यहां पर बेटे कैश टू बी डेबिटेड, ये बात सबको समझ आ गई। रामलाल की जो कैपिटल है, रामलाल कैपिटल, मैं रामलाल का नाम यूज नहीं करूंगा, फिर भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, टू बी क्रेडिटेड बेटे, कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एंड कैश टू बी डेबिटेड। अब बेटे इसको करना कैसे है? आओ जी हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे और आप वो बना चुके हैं, हम तारीख लिखेंगे। सबसे पहले तो बेटे हमें तारीख लिख लीजिए जनवरी फर्स्ट, बेटे फर्स्ट जनवरी को ये हादसा हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुई, जिससे मेरी वैल्यूज में लेन देन से फर्क पड़ा, तो मुझे वो लिखना है। और बेटे मैंने कहा पूरी ग्रामर लिखनी नहीं है, पूरे सेंटेंस लिखने नहीं है, हमें खाली कीवर्ड्स लिखने हैं। और देखिए मैं लिखूंगा क्या, जो भी कुछ लिखूंगा उसमें एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी, उतने से ही डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा, क्योंकि बेटे हम डबल इफेक्ट ले रहे हैं। जैसे यहां पर 50,000 रुपए, मैं 50,000 रुपए डेबिट में लिखूंगा, क्यों? क्योंकि कैश आया, बिजनेस में आया, कैश डेबिट करेंगे, कैश डेबिट करेंगे, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटे, कैश डेबिटेड। अब जगह नहीं होती ना, मैंने कहा ना ग्रामर नहीं लिखनी, हमें 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 पूरी इंग्लिश नहीं समझनी, हम डेबिट की जगह डी आर लिखेंगे। बेटे मैं रिपीट करता हूं, डेबिट की जगह डी ई बी आई टी पूरा नहीं लिखेंगे, डी आर लिखेंगे, कैश डेबिट। डेबिट में अमाउंट लिख दिया, मैंने कहा लेजर फोलियो का खाना तो बिल्कुल अभी कुछ यूज ही नहीं कर रहा। अब क्रेडिट क्या किया, हमने प्रॉमिस किसको दिया, रामलाल को, रामलाल कौन है, ओनर, ओनर का क्या, कैपिटल। तो मैं बेटे क्या करूंगा, क्रेडिट लिखने के लिए पहली बात मैं क्रेडिट के आगे एक प्रीफिक्स लगाऊंगा, प्रीफिक्स। बेटे जैसे भगवान कृष्ण का नाम लिखना हो तो हम खाली कृष्ण नहीं बोलते, हम लिखते हैं श्री कृष्ण, श्री श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण, इसका मतलब हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए और उनको दुनिया को बताने के लिए कि वो सेपरेट हैं, हम उनके नाम के आगे प्रीफिक्स लिख देते हैं, कुछ अलग से लिखते हैं। ऐसे ही बेटे जब हम कभी भी कुछ भी क्रेडिट करेंगे, कुछ भी क्रेडिट करेंगे, तो बेटे हम एक अक्षर लिखेंगे उसके आगे। कभी भी कुछ भी क्रेडिट करना है किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पार्ट को, तो हम टू का नाम यूज करेंगे, टू, टी ओ टू, टी ओ टू, और टू को थोड़ा हट के लिखेंगे बेटे। जैसे आप किसी ट्रेन में जाए, मेट्रो में जाए, बस में जाए, बड़ी भीड़ होती है तो आप कहते हैं ना हटके, हटके, बेटे मेट्रो में जाते हैं तो हटके, फिर आप कोई अगर इतनी भीड़ होती है कि टच होता है हाथ से आप, तो आप हट जाते हैं। इसी तरह से क्रेडिट को डेबिट से थोड़ा हटके लिखना है, तो जहां से डेबिट शुरू हुआ है मैं वहां से तो लिखूंगा ही नहीं, थोड़ा सा एक तो नीचे वाली लाइन में लिखूंगा और थोड़ा हटके लिखूंगा, हटके 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 हटके, मतलब तू यहां लिखूंगा पहली बार, थोड़ी जगह छोड़ दी भैया, इसलिए कि हमें क्रेडिट को इंपॉर्टेंस देनी है, और क्रेडिट जो भी होगा हम उसके आगे टू लिखेंगे, टू लिखेंगे, टू लिखेंगे, थोड़ा हटके हटके, कुछ हटके मतलब टच होकर नहीं, नो टचिंग अलाउड, टू 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 कैपिटल। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, अब इसमें नहीं लिखना क्रेडिट है ही नहीं, जब हमने टू लिखी दिया तो सीआर है बेटे, अब यहां सीआर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, यहां सीआर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, देखो लाइन हट गई, क्यों नहीं है बेटे, आप बताओ क्यों नहीं है बेटे, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने हमने इसमें लाइन कहां गई रे भैया, एक सेकंड बेटे लाइन ला करो बेटे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हां सर रिपीट कर दो बेटे, मैं ये कह रहा हूं कि हम इसमें इसमें जब जब क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट के आगे क्रेडिट नहीं लिखेंगे, सीआर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने टीओ यूज कर दिया, टीओ का मतलब ही क्रेडिट है, और हमने उसको हट के लिखा, सेपरेट करके लिखा, अलग से लिखा, दूरी बनाकर रख लिखा, तो इसलिए उसका मतलब ही क्रेडिट है। मैं ये नहीं लिखूंगा टू कैपिटल क्रेडिट, ऐसा नहीं लिखेंगे, कैपिटल टू लिख दिया तो क्रेडिट ही है,
चलो जी 50,000 रुपए मैंने यहां लिख दिए। तो मैंने आपके सामने एक बात यहां पे लिखी और ये लिखी कैश अकाउंट। मैं यहां पे बेटे कैश अकाउंट लिख देता हूं, रंग दूसरा यूज कर लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। कैश अकाउंट लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। अच्छा थोड़ा सा डेबिट भी हटा के लिख देता हूं, पहली बार कर रहे हैं ना तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होना चाहिए। डेबिटेड थोड़ी जगह छोड़ दी, और क्रेडिट जो करना है वो दूसरी लाइन में लिखा, उसके आगे टू लिखा और नाम लिख दिया, फिर सीआर नहीं लिखना। अब बेटे अब क्या करना है इसके बाद, फिर हमने पर्टिकुलर्स में इसके नीचे एक रीजन लिखना है, कारण लिखना है कि भैया हुआ क्या इस ट्रांजैक्शन में। तो मैं लिखूंगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आराम से बेटे। और हम पर्टिकुलर्स वाली लाइन में एक लाइन डालेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और एक लाइन डालकर इसको क्लोज कर देंगे। देख लीजिए आराम से, देखिए मैं भूपेश आनंद हूं और मैंने कसम खाई है कि आपको लॉजिक सारे क्लियर करूंगा। और ये जो नो ट्रांजैक्शंस की हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, इसमें ना तो मैं अमेरिकन मेथड यूज कर रहा हूं और ना मैं यूरोपियन मेथड यूज कर रहा हूं, मैं इंडियन मेथड यूज कर रहा हूं, मैं आत्मा मेंशन यूज कर रहा हूं जो उन दोनों अमेरिकन और यूरोपियन के अंदर घूम रही है, और उसका नाम है लेन देन की आत्मा। कैश दिया बिजनेस ने, प्रॉमिस दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट टू हटके कैपिटल। और उसके नीचे मैंने उसकी एक दो लाइन्स में समरी लिख दी, कारण लिख दिया बी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और फिर उसको क्लोज कर दिया। द एंड आता है ना बेटे, जब मूवी खत्म होती है द एंड, जब तक द एंड नहीं आता आपको लगता है शायद अभी और भी है। तो बेटे ऐसे ही लाइन डालकर मैंने द एंड कर दिया, आप मेरी बात समझिए, लाइन डाल के मैंने द एंड कर दिया। अब ऐसा भी है बेटे, कुछ बुक्स में डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के कॉलम में उन्होंने टोटल लाइन नहीं डाली, कोई बात नहीं, आप खाली पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लाइन डाल दीजिए, कोई टेंशन की बात है। बोलो बेटे पहली ट्रांजेक्शन समझ आई, आओ जी हम दूसरी ट्रांजेक्शन में चले, परचेज गुड्स। बेटे दूसरी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बेटे दूसरी परचेज गुड्स, किसने परचेज किए, रामलाल ने या बिजनेस ने, बेटे बिजनेस ने, हम अकाउंटेंट किसके हैं, बिजनेस के, हम किसके लिए सोचेंगे, बिजनेस के लिए, तो हम बिजनेस के लिए देखेंगे कि बिजनेस में क्या लेन है, बिजनेस में क्या देन है। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये बढ़िया है, गुड्स ली पैसे दिए। बेटे बिजनेस चलाने के लिए आपको खाली कैश थोड़ी चाहिए, उसके लिए आपके पास अलग अलग तरह का सामान होना चाहिए। आप ये बताइए, आप कभी हल्दीराम भुजिया वाले में गए हो तो उसके बाद अगर वो कैश रख दे तो कोई आएगा ही नहीं। बेटे उसने अलग अलग तरह के सामान रखे हुए हैं, बेटे पाव भाजी, छोले भटूरे, सांबर वड़ा, पास्ता, पिज्जा, राज कचौड़ी, टिक्की, दही भल्ले, गोलगप्पे, बेटे अलग अलग गुड्स रखी है, क्योंकि गुड्स जब वो बनाएगा और जब उनको बेचेगा तभी तो प्रॉफिट कमाएगा हल्दीराम भुजिया वाला। बिल्कुल उसी तरह से रामलाल ने कैश दिया, अब उस कैश का इस्तेमाल करके टोपियां घुमाएंगे, सामान खरीदेंगे, तो गुड्स खरीद ली, कितने की खरीदी बेटे, बेटे 7,000 रुपए की गुड्स खरीदी है, 7,000 रुपीज की गुड्स परचेज की है, कैश में खरीदी है, ये अच्छा रहता है बेटे, कैश में खरीदी है। आओ हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, बेटे बड़ी प्यारी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, यकीन मानिए आप के लिए मैंने मेहनत की है, मेरे को खुशी तब मिलेगी जब आप इसका साथ साथ लिखते जाएंगे। बेटे ट्रांजैक्शन टू, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹7,000। बेटे पूरा यूट्यूब चैनल आप चेक कर लो, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, जिस तरह से मैं लॉजिकली आपको लिखवा रहा हूं, जिस तरह से मैं पेशेंस से आपको बता रहा हूं, जिस तरह से मैं मेथड अपना बता रहा हूं,
भाई साहब मैं आपको कह रहा हूं, आप पूरा चैनल देख लीजिए, यूट्यूब गूगल चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं मिलेगा। आप पहले पूरी अटेंड करिए, आपको खुद पता चलेगा मैं क्या बोलूं। बेटे लिखो परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 7 pound, तो आपको सोचना है कि इसमें कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो बड़े प्रीशियस हैं, कीवर्ड्स हैं, जैसे चाचा चौधरी और फैंटम, है ना, आपने पढ़ा होगा चाचा चौधरी एंड फैंटम। बेटे दो पूरी मैगजीन में कीवर्ड्स होते थे, पता नहीं आपने वो मैगजीन पढ़ते थे या नहीं। चाचा चौधरी एक होता था और एक फैंटम होता था, जैसे स्पाइडरमैन और ही मैन, दो की मैन है, दो कीवर्ड्स है। ऐसे ही इस ट्रांजैक्शन में दो कीवर्ड्स हैं, एक गुड्स खरीदी और एक कैश दिया। गुड्स खरीदी कैश दिया, गुड्स खरीदी कैश दिया, गुड्स खरीदी कैश दिया। तो गुड्स आ रही है बिजनेस में, गुड्स को डेबिट करेंगे, कैश जाओ, तुम जा रहे हो कैश, वो कहता मैं जा रहा हूं, मैंने कहा जाओ, तो गुड्स जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए चित्र बनाइए, एलिमेंट वन पार्ट वन, गुड्स बिजनेस में, बिजनेस ले रहा है, और पार्ट टू, एलिमेंट टू पार्ट टू, कैश बिजनेस दे रहा है। बेटा इससे सिंपल तो हो नहीं सकता, गुड्स विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। अब एक बात का छोटा सा ध्यान रखना है बेटा, जब हम गुड्स ले और जब हम गुड्स दे, कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर हम खाली गुड्स का नाम यूज करें, तो आज से हम इसके नाम की जगह एक नया नाम लिख रहे हैं, आज इसका नामकरण हो रहा है। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि एक व्यक्ति के 3-4 नाम हो, जैसे आपके भी 2 नाम है, बाहर का नाम एक है और घर का नाम अलग है। जैसे घर में आपको बुलाते हैं छोटू, टिंकू, रामू, भैया, कुछ भी बोल सकते हैं, और बाहर नाम कुछ अलग है, ऑफिशियल नाम आपका। ऐसे ही गुड्स के नाम को मैं आज डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैंने गुड्स को खरीदा, रिपीट करती, अगर मैंने गुड्स को खरीदा तो मैं वर्ड यूज करूंगा परचेजेस, और अगर मैंने गुड्स को बेचा तो मैं गुड्स वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा सेल्स। बड़ा सिंपल, एक बच्चे को टेंशन हो गई, पता नहीं क्या बोलेगा मास्टर, क्या बातें करते हो बेटे। मैंने कहा गुड्स को अगर मैंने खरीदा, मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी एसेट्स की बात नहीं कर रहा, गुड्स अगर खरीदी गई तो मैं गुड्स को डेबिट करूंगा, गुड्स अगर बेची गई तो मैं गुड्स को क्रेडिट करूंगा, सेल्स लिखूंगा और परचेजेस लिखूंगा। देखो भावनाओं में व्यक्त हो जाता हूँ बेटे, कि देखिए कितने मन से आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं चलता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। गुड्स अगर खरीदी तो परचेजेस, गुड्स अगर बेची तो सेल्स। तो मैंने वही बात लिखी है स्टार में, इंस्टेड ऑफ गुड्स वी विल यूज परचेजेस और सेल्स। परचेजेस कब? खरीदी, जब खरीदी। सेल्स कब? जब बेची। आओ जी इसकी एंट्री लिख लें जी, पहले तो एंट्री लिख लें। आओ 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 January 4, आ जाओ जी बेटे मेरे साथ साथ करना है। January 4, आओ जी January 4, इसमें 2 कीवर्ड्स थे, एक तो गुड्स। अब मैंने कहा जी गुड्स की जगह हम परचेजेस यूज करेंगे, अभी बोला बेटे, गला दर्द हो गया बोलते बोलते। परचेज हमेशा गुड्स की होती है, डेबिट, क्रेडिट करना तो हटके और टू लगाना है पहले तो, और थोड़ा हटके और टू लगाना है, टू कैश। मैंने परचेजेस को डेबिट कर दिया, परचेजेस अकाउंट भी लिख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि अकाउंट का मतलब क्या है। आप पहले अभी लॉजिकली समझ लीजिए, जो फेयर एंड लवली बाद में देख लेंगे। परचेजेस डेबिटेड टू कैश, बेटे 7,000 रुपए से डेबिट किया और 7,000 रुपए से ही क्रेडिट किया, क्योंकि हमें पता है डबल इफेक्ट है, हम जितने से डेबिट करेंगे उतने से ही क्रेडिट करेंगे, तभी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगी और तभी इसको हम बोलेंगे डबल अकाउंटिंग सिस्टम। बेटे लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, आपने जो भी कुछ किया उसका कारण लिखना पड़ेगा, जर्नल एंट्री में उसका कारण लिखना है पर्टिकुलर्स में। तो लिखिए क्या किया आपने, गुड्स खरीदी, कैश में खरीदी, तो लिखिए बी परचेज ऑफ गुड्स फॉर
कैश, और नीचे एक लाइन डाल दीजिए द एंड। और बेटे जो नरेशन होती है ना उसको हम जनरली ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि हमें समरी बतानी है, तो आप इसको थोड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए, बिल्कुल ब्रैकेट डालिए, द एंड कर दीजिए। मैंने दो ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं, दोनों की एक्सप्लेनेशन लिखवाई है, दोनों की एक्सप्लेनेशन को समझाया है, और उसकी एंट्री पास करके मैंने उसकी समरी लिखी है। वो टेक्निकली बेटे समरी का पता क्या बोलते हैं, नरेशन, एन ए डबल आर ए टी आई ओ एन, नरेशन भी बोलते हैं। अभी टेंशन मत ले, पहले बताओ दो तक समझ आ गई, आओ जी थर्ड। बेटे हमने गुड्स को बेच दिया, बधाई है बेटे, हमने थर्ड ट्रांजैक्शन में गुड्स को बेच दिया 5,000 रुपए में, सोल्ड गुड्स। मैंने कहा था ना बेटे तभी प्रॉफिट हो सकता है जब आप बेचोगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। बेटे हमने गुड्स को बेच दिया। अब आपको मैंने अभी भी बताया था कि गुड्स को खरीदा जाए तो हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और उसी समय बताया था गुड्स को बेचा जाए तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करें, सेल्स अकाउंट लिखेंगे बजाय गुड्स लिखने के, गुड्स खरीदे तो परचेजेस, गुड्स बेचे तो सेल्स। ये बात मैंने बता दी है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहां पर गुड्स को बेचा गया तो आपने सोच रहे हैं क्या, सोच रहे हैं क्या आया क्या गया, आराम से बेटे आराम से, क्या आया क्या गया सोचिए बेटे। बेटे ट्रांजेक्शन 3 है, बेटे मैं बिजनेस हूं, बेटे मैं अकाउंटेंट बिजनेस का हूं, बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया। बेटे बिजनेस में कैश आया, कैश आया हाँ, कितने का, कितने का लिखा हुआ बेटे 5,000 रुपए में कैश में बेचा, तो कैश आया 5,000, दो दो हजार रुपए के दो नोट और दो नोट 500-500 के, तो बेटे 5,000 रुपए आए, और क्या गया गुड्स चली गई, तो क्या डेबिट करेंगे, कीवर्ड्स क्या है कैश, और दूसरा कीवर्ड क्या है गुड्स, तो कैश को डेबिट करेंगे और गुड्स को क्रेडिट करेंगे। आइए ट्रांजैक्शन 3 की पहले एक्सप्लेनेशन लिखो, कितनी प्यारी एक्सप्लेनेशन बनाई है, जरा देखो तो सही बेटे, आप लिखोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। आइए सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, देखो दो घड़े बनाए, घड़े हाँ बेटे पानी के घड़े, क्या लिया कैश लिया, मेरे घड़े में आ रहा है, घड़ा बिजनेस है, बिजनेस के घड़े में आ रहा है, क्या दिया बिजनेस के घड़े से गया, क्या गुड्स, गुड्स जा रही है कैश आ रहा है, गुड्स जा रही है कैश आ रहा है। जो भी लेना होता है, जो लेन होता है, जो लेते हैं, जो गेट करते हैं उसको डेबिट करते हैं, जो देना होता है, जो दिया, जो देंगे, जो प्रॉमिस दिया उसको क्रेडिट करते हैं। आइए मेहरबान कदरदान, बड़ी सिंपल सी बात बताने जाऊंगा, गुड्स की जगह आज के बाद हम परचेजेस या सेल्स का नाम लिखेंगे, हम गुड्स की जगह गुड्स नहीं लिखेंगे। भाइयों और बहनों सुनो सुनो सुनो, राजा का फरमान आया है कि हम गुड्स की जगह गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स अगर खरीदी तो परचेजेस लिखेंगे, गुड्स बेची तो सेल्स लिखेंगे। और नीचे देखिए मैंने एक टेबल भी और प्रिपेयर किया है, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है अच्छा तो ऐसे भी कर सकते हैं, दो कीवर्ड्स हैं कैश और दूसरा कीवर्ड है सेल्स, कैश आ रहा है तो डेबिट, सेल्स गुड्स जा रही है तो गुड्स के लिए सेल्स, जा रही है तो क्रेडिट। तो कितना सिंपल हो गया आपके लिए, देखिए अभी आपने कोई अमेरिकन स्टाइल कोई कुछ नहीं किया फिर भी आप कर पा रहे हैं। आइए मैं इसकी एंट्री पास, आइए जी आइए, January 5 पे तारीख लिखी जाएगी, 5 तारीख बेटे कैश आ गया, कैश तुम आ गए, तुम्हें डेबिट करेंगे, हमारे पास कैश आया, बिजनेस में कैश आया तो तुम्हें कैश डेबिट करेंगे, सोल्ड गुड्स। अब जो भी कुछ क्रेडिट करना है उसको टू से शुरू करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, या उसको डिफरेंशिएट करना होता है अपने डेबिट से तो हम उसकी जगह टू से स्टार्ट करते हैं, जैसे श्री भूपेश आनंद, श्री राम लाल लिखते हैं ना आप अपने पिताजी का नाम कैसे लिखते हैं, मां का नाम कैसे लिखते हैं, श्रीमती लिखते हैं ना, तो बेटे टू गुड्स है, गुड्स का नाम नहीं यूज करेंगे,
सेल्स, अब यहां क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, जब तू लिखी दिया तो क्रेडिट ही तो था, तभी तो तू लिखा, और हट के लिखना है, हट के, साथ साथ नहीं, हट के, और थोड़ी जगह छोड़ दी, देखो यहां मैंने परचेजिंग शुरू की लेकिन क्रेडिट यहां से नहीं किया, थोड़ी दूर से किया, मैंने यहां कैश शुरू किया लेकिन क्रेडिट दूर से किया, इसलिए इस ऐसे लिखना है, कितना बेटे 5 को डेबिट, 5 ही क्रेडिट, बीइंग, एक बच्चा कहता था हर बार आप बीइंग से शुरू करते हैं, बेटे बी का मतलब है जो उसमें समरी है, जो किया वो तो लिखा, तो आपने वो किया, इसलिए मैं लिख रहा हूं बी सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, बेटे पर्टिकुलर्स को बंद कर दो और नरेशन को ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट कर दो, पर्दा कर दो, पर्दा है, पर्दे के पीछे एक राज छुपा है, बेटे नरेशन को पर्दा बना दो, ब्रैकेट बना दो, बेटे मैंने 3 कर दी है, और देखिए ना तो आपने अमेरिकन ना यूरोपियन अभी कुछ भी यूज नहीं कर रहे, खाली भूपेश आनंद के लॉजिक से काम चल रहा है और चलता रहेगा बेटे, मैंने CA, मैंने CS, मैंने CMA, मैंने अमेरिका, मैंने लंदन, सब इसी लॉजिक से किया, और आज इसीलिए यही लॉजिक आपको बताना चाहता हूं। बेटे 3 तो कर ली, बेटे 6 रह गए, आओ जी, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहनलाल, अब हमने दोबारा से गुड्स खरीदी लेकिन मोहनलाल से खरीदी और उधार में खरीदी, कैश नहीं दिया, हमने कहा मोहनलाल हमारे पास कैश अभी नहीं है, हम अभी तो नहीं दे सकते, तेरे को बाद में देंगे, देखो जी मैंने गुड्स परचेज गुड्स आपके सामने, मैंने इस लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया, बेटा एक तो चाचा चौधरी है इसमें गुड्स जो कीवर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट, गुड्स खरीद रहे हैं और दूसरा किससे खरीद रहे हैं, मोहनलाल से, और मोहनलाल को कैश नहीं दे रहे, क्या लगता देना ही नहीं पड़ेगा, पूरी जिंदगी नहीं देंगे, क्या बात करते हो यार, आपको आज उसको वायदा तो देना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा, किसको, मोहनलाल को, तो हम आज के बाद प्रॉमिस जब देंगे, जिसको प्रॉमिस देंगे उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि मोहनलाल ओनर तो है नहीं, तो इसलिए हम उसका नाम लिख सकते हैं, आप समझ आ रही है आपको बात, चलिए तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहनलाल ऑन क्रेडिट 4500, बड़ा ही प्यारा सा मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहनलाल एट रुपीज 4500, आह 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 आह, बेटे मैंने ट्रांजैक्शन के लिए 2 घड़े फिर बनाए, ट्रांजैक्शन बेटे जनवरी 7 की ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहनलाल ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज 4500, आपने गुड्स खरीदी, गुड्स आ रही है, गुड्स लेना है, आपने प्रॉमिस दिया, आपने वायदा दिया, आपने कैश नहीं दिया, वायदा दिया, आपने 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 मोहनलाल को वायदा दिया कि मैं इतने इतने दिन फलाने फलाने दिन इतने पैसे तुम्हें दे दूंगा, तो दिया क्या प्रॉमिस, लिया क्या गुड्स, बनाइए क्या ले रहे हैं गुड्स, क्या दे रहे हैं प्रॉमिस, किसको दिया मोहनलाल को, तो गुड्स का नाम तो यूज ही नहीं करेंगे, परचेजेस लिखेंगे, परचेजेस टू बी अकाउंट टू बी डेबिटेड, हटके टू प्रॉमिस, किसको मोहनलाल को, टू मोहनलाल, देखो जी प्रॉमिस गिवन टू मोहनलाल टू बी क्रेडिटेड, आइए जिसकी एंट्री पास कर दे, आओ जी, हाँ सर आ रहे, आइए जनवरी 7 तारीख पे तारीख जनवरी 7, आहा परचेजेस अकाउंट डेबिट, हटके प्रॉमिस मोहनलाल,
बेटे आराम से देखो, कोई जल्दी है नहीं। परचेजेस डेबिट टू मोहनलाल, गुड्स खरीदी है तो गुड्स खरीदी है तो मैंने बता दिया, परचेजेस का नाम यूज करते हैं, गुड्स नहीं लिखेंगे। प्रॉमिस दिया है, किसको दे उसका नाम लिखो, मोहनलाल। कितने का, कितने का? 4500। बेटे 4500 रुपए, बेटे 4500 रुपए का। और इसके नीचे इसका कारण लिखिए, कारण लिखिए, कारण लिखिए, कारण लिखिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन लाल ऑन क्रेडिट। मैंने लिखा जी, और पर्दा लगा दिया, पर्दा क्या, ब्रैकेट लगा दिए, बी। बेटा सिंपल इंग्लिश लिखनी है, कोई ग्रामर का प्रयोग नहीं होगा, कोई इंग्लिश का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल से वर्ड लिखना है, कीवर्ड्स को यूज करना है, बीइंग से स्टार्ट करना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहनलाल ऑन क्रेडिट। आराम से बेटे, हमने हमने यहां तक कर दिया। बेटे हम आ गए 12 तारीख, सोल्ड गुड्स टू लालाजी। आ लालाजी आ गए, हमने गुड्स को बेच दिया, किसको, लालाजी। अब देखो गुड्स को बेचा तो कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा, अरे क्रेडिट में बेचा, अरे 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 अरे, अरे। क्रेडिट में बेचा, कितने का, 2000 का। बेटे गुड्स बेची, गुड्स जा रही है, गुड्स सेल हो रही है, गुड्स जा रही है, गुड्स को कम करेंगे, गुड्स को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हम तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे, और उसकी जगह सेल्स लिखेंगे। आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, नहीं, मैंने नगद में थोड़ी बेचा, उधार में बेचा, तो मैंने उससे वायदा तो जरूर लिया होगा, किससे, लाला जी से। तो लाला जी वायदा दो कि तुम मुझे पैसे दोगे इतने दिनों के बाद। लाला जी कहते हैं ठीक है, मैंने वायदा दिया, तो मैंने कहा लाला जी डेबिट, लाला जी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने वायदा लिया, मैं बिजनेस हूं, लाला जी से वायदा लिया, मैं बिजनेस हूं, तो लाला जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। आइए जी इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन फटाफट लिख ले। बेटे आपको समझ आ गया मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं बेटे, मैंने बड़ी मेहनत से एक्सप्लेनेशन बनाई है, तो आपका धर्म बनता है कि आप लिखें। Sold goods to Lalaji on credit worth rupees 2000. देखो कितना अच्छा मैंने झोपड़ी सी बनाई है। बेटे ये झोपड़ी नहीं है एक्चुअली में, ये मेरा बिजनेस है, ये रामलाल का बिजनेस है, और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और मैं हैरान परेशान इसका अकाउंटेंट हूं, और मैं देख रहा हूं कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस क्या ले रहा है और बिजनेस ने क्या दिया। लेन देन, मैं तो कहता हूं पूरी अकाउंट्स लेन देन पे आप टेंशन को लेते हैं। देखिए क्या लिया, प्रॉमिस फ्रॉम लाला जी से ले रहा है, बिजनेस प्रॉमिस लाला जी से ले रहा है, और बिजनेस लाला जी को गुड्स बेच रहा है। प्रॉमिस फ्रॉम लाला जी विल बी डेबिटेड, जो लेते हैं उसको डेबिट करते हैं, और उस प्रॉमिस जिससे लिया उसका नाम लिख देंगे, तो लाला जी डेबिट, लाला जी अकाउंट टू बी डेबिटेड टू सेल्स। सेल्स एक बच्चा गुड्स कह रहा था, बेटे गुड्स की जगह सेल्स करेंगे ना, आओ 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 बेटे, एंट्री कर दे, एंट्री कर दे मेरे बेटे, बेटे एंट्री तो कर लो। बेटे कौन सी तारीख है, बेटे 12 जनवरी है, जनवरी 12। लाला ए लाला, अकाउंट डेबिट कर देंगे, लाला 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 जी अकाउंट डेबिट टू हटके 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 सेल्स। अमाउंट कितना बेटे, अमाउंट कितना, अमाउंट कितना, डेबिट कितना, क्रेडिट कितना। सर डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट सेम आएगा, और नीचे लिखो कारण, बीइंग सेल of goods on credit to
लाला जी, और बेटे यहां क्लोज कर दो और पर्दा लगा दो, पर्दा 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 है, पर्दा है, हम तो पर्दा लगाएंगे। बेटे 12 जनवरी तक मैंने देखो हंसते हंसते एंट्रीज भी कर डाली जिससे आपको डर लगता था। बेटे जब रात को बच्चा नहीं सोता ना तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो जनरल एंट्रीज का चैप्टर करा दूंगी, और बच्चा डर के सो जाता है। बेटे इतनी मुश्किल लगती है सबको जनरल एंट्रीज, लेकिन आप देख लीजिए आपके लिए कितनी आसान बना दी मैंने। जनवरी 12 के बाद हम आवे जी 16, पेड वेजेस, वेजेस को पे किया, पेड वेजेस बेटे, वेजेस को पे किया, वेजेस को पे किया, वेजेस कितनी दी 4,000। बेटे वेजेस क्या होती है? मजदूरी, अकाउंटिंग इक्वेशन में चैप्टर में क्या था, किसको देते हो? मजदूर को। क्यों देते हो? क्योंकि आपने उससे सेवाएं ली है, आपने उससे सर्विसेज ली है, आपने उससे सर्विसेज ली इसलिए आपने उसको वेजेस दी। लेकिन बेटे एक्चुअली में वेजेस नहीं देते हम, कैश देते हैं, हम कैश दे रहे हैं, नाम लिख दिया वेजेस। अब हम क्या करेंगे, क्या ले रहे हैं? उससे हमने सर्विसेज ली, क्या नाम है उन सर्विसेज का? वेजेस। बेटे हम उस सर्विस के नाम को डेबिट करेंगे और जो जा रहा है बिजनेस से उसको क्रेडिट करेंगे। तो बेटे वेजेस आ रही हैं तो मैं लिखूंगा वेजेस अकाउंट टू बी डेबिटेड, मजदूर से मजदूरी जो मैंने दी क्योंकि सर्विसेज ली, तो क्या आ रही है? सर्विसेज तो आ रही है। अब मैं सर्विस का नाम लिख दूंगा उसकी जगह, सैलरी दी तो सैलरी का नाम आ जाएगा, वेजेस दी तो वेजेस का नाम आ जाएगा, रेंट दिया तो रेंट का नाम आ जाएगा। बेटे सर्विसेज आ रही है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हमने देखना है क्या आ रहा है क्या जा रहा है। आओ जी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा बेटे, क्यों नहीं बताऊंगा? आप बताओ, जब मैंने प्यार किया है तो फिर डरना किस बात का? ट्रांजेक्शन पेड वेजेस अमाउंटिंग टू रुपीज 4,000। लो जी वेजेस किसको देते हैं? वेजेस मजदूर को देते हैं, वेजेस मजदूर को देते हैं, मजदूर को क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं, मजदूरी देते हैं। मजदूरी क्यों देते हैं? क्योंकि उसने हमको सर्विसेज दी है, हमने उससे सर्विसेज ली है, सर्विसेज ली मजदूरी दी, सर्विसेज ली कैश दिया। बेटे मजदूरी की जगह हम कैश देते हैं। आओ 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 लिखो बेटे ट्रांजैक्शन का, देखो लिखना शुरू कर दिया, पेड वेजेस अमाउंट टू रुपीज 4,000, ये मैंने मजदूर बनाया है रोता हुआ, आप उसको कैश दे रहे हो। और आपको सर्विसेज जब लेते हो या देते हो हमें सर्विसेज का नाम लिखना है। जैसे वेजेस ली तो वेजेस का नाम, सैलरी दी तो सैलरी का नाम, कमीशन दी तो कमीशन का नाम, रेंट दिया तो रेंट का नाम, जो भी लेंगे उसका नाम लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ली तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम। समझ गए? चलो जी चलो जी चलो जी, वेजेस सर्विसेज ली कैश दे दिया, हमने सर्विसेज ली कैश दे दिया मजदूर को। सो वेजेस विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। लिख लो बेटा, वेजेस विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। लो जी लो 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 लो, सर क्या लेना है? बेटे एंट्री नहीं करेंगे, जनवरी 12 की एंट्री हमने कर दी, अब आ गए थे जनवरी 16, वेजेस का नाम लिखेंगे क्योंकि वेजेस हम ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट, हटके हटके कैश। बेटे 4,000 रुपए की वेजेस दी है, तो मैं लिख रहा हूं जी बी वेजेस पेड इन कैश, आराम से पर्दा लगा दो और द एंड कर दो, पर्दा लगाना जरूरी है बेटे, द एंड करना भी जरूरी है। 16 जनवरी तक मैं आ गया, बधाई है बधाई है। आओ जी नेक्स्ट डेट की तरफ चले, पेड सैलरीज, बहुत ही बढ़िया थी, यहां पर हमने सैलरीज दी। बेटे कोई बच्चा बता सकता है वेजेस और सैलरीज में क्या डिफरेंस है? बेटे वेजेस हम जनरली अनपढ़ इलिटरेट लोगों को देते हैं, हम वेजेस का नाम यूज करते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं ऑफिस में बैठते हैं, जैसे मैंने टाई लगाई, हम जब उनको देते हैं तो उसको सैलरीज बोलते हैं।
तो सैलरीज जनरली एजुकेटेड लोगों को के देते हैं जब, तो उसका नाम हम सैलरीज यूज करते हैं, और जब इलिटरेट को देते हैं उसको बोलते हैं वेजेस। तो सैलरी दी, सर्विसेज ली, सर्विसेज ली, कैश दिया, सर्विसेज ली, कैश दिया, तो हम बेटे सर्विस का नाम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने सर्विस ली, कैश दिया, टू कैश। आइए मैं एक बार एक्सप्लेनेशन देख लूं क्या लिखिए। मुझे पता है बेटे आपको समझ आ गया है, लेकिन क्या करें बेटे, लिखी है तो मेहनत तो किया ना है? आप मेरे हो ना, कमर सीधी करके बैठे तो ढीले ढीले हो गए, कुछ तो लेट के पढ़ रहे हैं, थप्पड़ मारूं उनके मुंह पे। बैठ के पढ़ना बेटे, विद्या का धन तभी आता है जब आप बैठ के पढ़ते हैं। प्लीज, पेड सैलरीज लेना, क्या लिया, सर्विसेज लिए, क्या दिया, कैश दे रहे हैं। तो सैलरी नेम टू बी डेबिटेड, नेम ऑफ सर्विस टू बी डेबिटेड, कैश दिया तो क्रेडिटेड, सीधी सी बात, सिंपल है, बहुत सिंपल है जी। आओ हम जल्दी से इसकी एंट्री पास कर दें। जनवरी 17 सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, हटके 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 टू कैश, 2500 डेबिट, 2500 क्रेडिट। बी सैलरीज पेड इन कैश। आओ जी 22 जनवरी को आ गए, हम जनवरी 22 में आ गए, यहां था एंड कर दिया बेटे। 22 तारीख को क्या हुआ, रिसीव्ड कमीशन। अब हमें कमीशन मिली बेटे, कमीशन क्यों मिलेगी, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में बताया हुआ। वैसे बेटे हमने किसी को सर्विसेज दी, हमने जब सर्विसेज दी तो हमें उसकी हमें कमीशन मिलेगी बेटे। कमीशन हमारी सर्विस है, सर्विस का नाम है, लेकिन कमीशन की जगह हमें पैसे मिले, क्या आया, कैश, क्या दिया, सर्विस, सर्विस का नाम क्या, कमीशन, तो क्या डेबिट करेंगे, कैश, क्या कीवर्ड है, कैश, दूसरा कीवर्ड कमीशन, क्या क्रेडिट, कमीशन, इतना तो सिंपल है। आओ आओ देखें मैंने एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है बेटे, लिखनी पड़ेगी, बड़ी प्यारी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। रिसीव कमीशन, दोबारा झोपड़ी बनाई बेटे, मेहनत की झोपड़ी क्यों बनाई, बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम जो भी कुछ कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट से कर रहे हैं, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। बिजनेस ने क्या लिया, कैश लिया, बिजनेस ने क्या दिया, सर्विसेज दी, उसका क्या नाम है, कमीशन। देखो जी हमने कैश लिया होगा, कमीशन जब रिसीव की तो कैश विल बी डेबिटेड, हमने सर्विस दी होगी तो कमीशन, सर्विस विल बी क्रेडिटेड, उसका नाम है कमीशन। तो बेटे एंट्री कर दी। आओ जी आजी आजी दिल से दिल लगा जी, 22 तारीख की एंट्री कर दो जी, कैश को डेबिट कर दो जी, थोड़ा हट के लिख लो जी, टू कमीशन लिख दो जी, बी कमीशन रिसीव इन कैश, कितने की, 2000 से डेबिट कर दो, 2000 से क्रेडिट कर दो, पर्दा लगा दो और द एंड कर दो। और बेटे देखो मैंने कितना प्यार दिखाया, इसका आंसर भी इसके नीचे सारा लिख दिया। एक बच्चे को पता नहीं था कि आंसर भी लिखा हुआ है, उसको लगा कि ऐसे क्वेश्चन ही होगा बेटे। लेकिन आप में से कुछ ऐसे समझदार बच्चे हैं, उनको पता था ये आंसर लिखा हुआ है, लेकिन वो बच्चे फिर भी नोट कर रहे हैं बेटे। ऐसे तो किताबें भरी पड़ी, हर चीज लिखी हुई है, फिर भी आ क्यों नहीं गई, क्योंकि हमने उसको करके नहीं देखा। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। बेटे लिख कर करना है, कर्म करना है, तभी चीजें आती हैं। तो आइए आइए, मुझे उम्मीद है कि आपने कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन की एंट्री पास कर दी होगी 22 तारीख की। और मैं चल पड़ा 23 तारीख, 22 के बाद 25 तारीख। हाँ क्या हुआ जी, 25 को लाला जी सुबह सुबह आ गए हमारी दुकान में। लाला जी कौन बेटे, वही लाला जी जिन्होंने हमारे से सामान खरीदा था। कौन सी तारीख को बेटे आप बताओ,
बेटा ये जनवरी 12 देखो आप, 12 जनवरी को देखो आप, आपने लाला जी को उधार में सामान बेचा था कितने का? 2000 रुपए। और लाला जी ने आपको प्रॉमिस दिया था, आपने उनसे प्रॉमिस ले लिया था और आपने लाला जी को क्रेडिट किया था, क्योंकि आपने लिया क्या था, आपने आपने जो लिया था उसको डेबिट किया, तो लाला जी को आपने डेबिट कर दिया था, और गुड्स दी थी तो गुड्स को क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट कर दिया था, पैसे तो आए नहीं थे। अब बेटे 25 तारीख को लाला जी, 22 तारीख, अच्छा 25 तारीख को लाला जी सुबह सुबह हमारी दुकान के पास आ गए और कहने लगे, हे रामलाल बारा, ये ले तेरा सामान, खराब निकला है, डिफेक्टिव है, जो तूने मुझे बेचा था ये ले वापस। बेटे अब किसी भी रीजन से वापस हो सकता है, मैंने डिफेक्टिव तो जान के यूज किया कि आपको थोड़ा और समझ आए। तो कितने का सामान उन्होंने हमारे को दे दिया? 1500 रुपए का। और हमने उनको 12 तारीख को कितने का सामान बेचा था? 2000 रुपए। इसका मतलब उन्होंने जो हमें प्रॉमिस दिया था 2000 रुपए देने का, उसमें से 1200 रुपए का प्रॉमिस तो आज हम कैंसिल कर देंगे, हम उसको रिवर्स कर देंगे, हम उसको खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिस दिया था आज 1200 रुपए की पूर्ति कर दी उन्होंने, उन्होंने सामान वापस कर दिया। तो जो 2000 का प्रॉमिस था 12 तारीख का, बेटे वो कम हो जाएगा, 800 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि हम 1200 का रिवर्स कर देंगे। आप मेरी बात समझ रहे ना? चलिए पहले एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, फिर बाकी की बातें समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आइए 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 आइए, गुड्स रिटर्न बाय लाला जी वर्थ रुपीज 1500 के गुड्स उन्होंने वापस कर दी, 1500 के गुड्स वापस कर दी। बेटे मैंने गलती से 1800 किया, कोई बात नहीं, 1500 की गुड्स वापस कर दी। हमने उनको 2000 की गुड्स भेजी थी 12 तारीख को, ठीक है जी। तो मैंने उनको दो पूरी टाइमलाइन बनाई कि 12 जनवरी बेटे 12 जनवरी को हमने उनको सामान दिया था 2000 का, और 25 जनवरी को उन्होंने सामान हमें वापस कर दिया। पहले 12 जनवरी में देखिए आप ध्यान से, हम ये कर चुके हैं फिर भी जान के लिखा है कि आपको समझ है। सेल ऑफ गुड्स टू लाला जी 12 तारीख को कर चुके हैं, हमने प्रॉमिस ले लिया था लाला जी से और गुड्स को हमने दे दिया था। तो हमने क्या किया था, लाला जी टू सेल्स 2000 रुपए। बेटे आप एंट्री पास कर चुके हैं 12 तारीख की, अब क्या हुआ 25 तारीख को वो हमारी दुकान में आए और वो सामान जो हमारे से उन्होंने लिया था उसमें से 1500 का सामान वापस कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास गुड्स आ गई, बिजनेस है ना, हमें गुड्स वापस कर रहे हैं ना, जो हमने सेल की थी उसमें से वापस की, तो इसका नाम ये भी तो हो सकता है सेल्स रिटर्न। हम गुड्स का नाम यूज नहीं करेंगे, गुड्स की जगह हम या तो परचेजेस यूज करेंगे या सेल्स करेंगे, वो तो समझ आ गया। अब जब रिटर्न हो रही है तब भी हम गुड्स यूज नहीं करेंगे, सेल्स की वजह से रिटर्न हो रही है या परचेज की वजह से हो रही है। अब हमने पहले बेची थी तो रिटर्न हो रही है, तो सेल्स रिटर्न डेबिटेड, सेल्स रिटर्न डेबिटेड, गुड्स आ रही है, गुड्स आ रही है, बिजनेस गुड्स ले रहा है तो गुड्स को डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिटेड, और वो जो प्रॉमिस पहले एक्टिव था आज उसको कैंसिल करेंगे, रिवर्स करेंगे 1500 रुपए से। तो देखिए प्रॉमिस को कैंसिल करना पड़ेगा ऑफ 1500, और सेल्स रिटर्न, बेटे हम यहां पर सेल्स रिटर्न का नाम यूज करने वाले हैं, हम यहां पर सेल्स रिटर्न का नाम यूज करेंगे, गुड्स का नाम यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आराम से। ये बेटे एक्सप्लेनेशन लिखनी इतनी जरूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आ जाएगा अगर आपने एक्सप्लेनेशन ली थी। पहले जो गुड्स बिजनेस ने जनवरी 12 को लाला जी को बेची थी, चलो ये प्यार की इंतहा है बेटे, ये प्यार की इंतहा है,
कि मैंने वो एक्सप्लेनेशंस बोली भी और लिखवा भी रहा, ताकि आप लिखो, मुझे आपका भला चाहिए। पहले जो गुड्स बिजनेस ने जनवरी 12 को लाला जी को बेची थी, वो जनवरी 25 में लाला जी ने रिटर्न कर दी, इसलिए उसका नाम हो रहा है सेल्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स ड्यू टू सेल, बेटे इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। आओ जी हम क्या करेंगे, सुनो, सेल्स 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 रिटर्न ऑफ गुड्स, खाली सेल्स रिटर्न लिखे तब भी ठीक है, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स जान के लिखना, क्या कुछ समझ आए, टू बी डेबिटेड, बेटे सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, और वो जो प्रॉमिस पहले क्रिएट किया था उसको कैंसिल करना है, प्रॉमिस प्रॉमिस टू बी कैंसल, बेटा प्रॉमिस किसको दिया था, लाला का नाम ही तो यूज किया था। तो आइए आइए जी हम इसकी एंट्री कर डाले, आओ आओ आओ, आज मत रोकना बेटे, 22 तारीख हो चुकी, ठीक है जी, हम आ गए जी, हम आ गए 25 तारीख, जनवरी 25, सेल्स रिटर्न डेबिट हटके, टू प्रॉमिस लाला जी को दिया था वो कैंसिल कर रहे हैं, कितने की सामान वापस आई बेटे, तो 1500 रुपए से डेबिट भी और 1500 रुपए से क्रेडिट भी, एक बच्चा कहता है बाकी 500 को क्या हुआ, बेटे अभी वो 500 का प्रॉमिस अभी भी खड़ा है, वो 500 रुपए लाला जी जब देंगे तो उस दिन हम जाकर उसको प्रॉमिस को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉमिस एक्टिव पूरी जिंदगी नहीं रह सकता। तो इसकी नरेशन लिखिए, बी गुड्स रिटर्न बाय लाला जी, पर्दा लगाइए, द एंड कीजिए। आओ जी मैं आ गया जी, 22 तारीख के बाद मैं आ गया रिटर्न गुड्स टू मोहनलाल, हमने भी तो कहा कि हमने जो मोहनलाल से सामान खरीदा था बेटे वही तो सामान हमने लाला जी को मान लो बेचा था, और लाला जी ने वापस कर दिया हमें क्योंकि डिफेक्टिव था, तो हमने जिससे खरीदा था हमने उसको वापस कर रहे हैं, हमने मोहनलाल से खरीदा था। आप देखिए जनवरी 7 की ट्रांजेक्शन, जनवरी 7 में हमने मोहनलाल से 4500 रुपए का सामान खरीदा था, मोहनलाल से 4500 का खरीदा था, मोहनलाल से 4500 रुपए का खरीदा था, और हमने उसमें से 1000 की गुड्स वापस कर दी, ए मोहनलाल आप ले जाए गुड्स, तो हमने गुड्स दे दी, कौन सी, जो पहले खरीदी थी, जो पहले परचेज की थी, गुड्स जा रही है, गुड्स तुम जा रहे हो, हाँ वो कहती हम जा रहे हैं, तो बेटे गुड्स की जगह हम लिखेंगे परचेज रिटर्न, क्यों, क्योंकि ये वही वाली गुड्स है जो हमने खरीदी थी परचेज की थी, परचेज रिटर्न जा रही है, गुड्स जा रही है, और जो प्रॉमिस हमने उसको दिया था, किसको, मोहनलाल को दिया था ना कि हम तेरे को 4500 रुपए देंगे, वो आज प्रॉमिस थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा जितने से मैंने गुड्स वापस किए। तो लिखते हैं बेटे, बड़ी बड़ी मेहनत से एक्सप्लेनेशन बनाई है, उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जनवरी 28 की एक्सप्लेनेशन तो जरूर लिखें, बड़ी मेहनत की, रिटर्न ऑफ गुड्स टू मोहनलाल, बेटे पहले मैंने लिखा जनवरी 7 में कि हमने गुड्स खरीदी थी, और जब खरीदी थी तो हमने गुड्स को परचेजेस को डेबिट किया था और प्रॉमिस मोहनलाल को दिया था, तो हमने उस समय एंट्री क्या की थी, परचेजेस डेबिट टू मोहनलाल, आप देख लो आपने यही वाली एंट्री की हुई है, लेकिन आज हमने गुड्स वापस कर दी तो गुड्स चली गई, और हमने वो प्रॉमिस जो दिया था, हमने दिया था प्रॉमिस 4500 रुपए का, लेकिन हमने गुड्स अब 1000 रुपए की वापस की है,
तो ₹1,000 का प्रॉमिस तो कैंसिल होगा। तो मोहनलाल का जो प्रॉमिस था, मोहनलाल अकाउंट टू बी डेबिटेड, वो प्रॉमिस हम कैंसिल करेंगे। और गुड्स, तुम जा रही हो, जाओ, तुम्हें क्रेडिट करेंगे। अब गुड्स की जगह हम लिखेंगे परचेज रिटर्न, क्योंकि हम गुड्स जो हमने खरीदी थी वो रिटर्न कर रहे हैं। तो चलिए जी, चलिए आइए आइए, मेहरबान कदरदान, मेहरबान कदरदान, आयो बस बेटे, एक बार एंट्री रह गई है। एक बच्चा झुक के बैठना शुरू कर चुका है, क्योंकि उसको लग रहा है बहुत लंबा क्वेश्चन है। बेटे ये मैंने लंबा बनाया है, है नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी करेंगे। बेटे पहला क्वेश्चन था ना, पहला प्यार है ना, पता नहीं होता ना, आराम आराम से करेंगे ना। आओ आओ जी, हम लिख रहे हैं जनवरी 28, मोहन मोहनलाल टू परचेज रिटर्न, मोहनलाल टू परचेज रिटर्न, बी गुड्स रिटर्न टू मोहन लाल। बेटे कारण लिखना जरूरी है, पर्दा लगाना जरूरी है, द एंड करना जरूरी है। ₹1,000 का डेबिट और ₹1,000 का क्रेडिट। लास्ट एक दो एंट्री रह गई है जी। कैश रिसीव फ्रॉम लाला जी, आहा लाला जी कितने दयालु निकले। हमने पहले लाला जी को सामान उधार में बेचा था, फिर लाला जी ने हमारे को कुछ गुड्स रिटर्न कर दी। अब क्योंकि बैलेंस रहता था लाला जी का, कितना रहता था बेटे, हमने लाला जी को ₹2,000 में सामान बेचा था 12 तारीख को, और लाला जी ने ₹1,500 का सामान वापस कर दिया। इसका मतलब हमने लाला जी से ₹500 लेने हैं, लेकिन लाला जी ने हमें ₹1,200 दे दिए। हमने लेने कितने थे, 500, कितने दे दिए, 1200। तो बेटे वो जो ₹500 ₹700 ज्यादा दे दिए। बेटे कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम दे रहे होते ठीक है, हम अगली बार जब लेंगे उसमें एडजस्ट कर देंगे, क्या हो गया उसमें। अब ₹500 दे रहे हैं, मैंने 1200 दे दिए कि भाई ठीक है, ₹500 तो पुराने हिसाब पे एडजस्ट कर देना, और ₹700 आगे जब मैं सामान लूंगा उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। आप बस आराम से इसकी एक्सप्लेनेशन देखो पहले कि मैंने एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है, बिल्कुल वो इंपॉर्टेंट है। लाला जी ने हमारे को लाला जी ने हमें कैश दिया 1200। कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, दो 500 के नोट और एक ₹200 का नोट। कैश तुम आ जाओ, कैश तुम्हें डेबिट करेंगे। किसने दिए, क्या दिया, हमने अब उसको प्रॉमिस दिया। जो बेटे पहले प्रॉमिस आ रहा है ₹500 का, वो तो कैंसिल करना है, और ₹700 का और प्रॉमिस करेंगे कि भाई भविष्य में जब तुम सामान लेने आओगे तो हम तुम्हें दे देंगे। तो टोटल 1200 का प्रॉमिस हुआ। तो बेटे कैश डेबिट 1200, प्रॉमिस लाला जी को दिया कि ₹500 तो तुम्हारे पुराने हिसाब के एडजस्ट हो गए, और ₹700 तुम्हारे हमारे पास पड़े हैं अमानत। हम तुम्हें वायदा करते हैं लाला जी, जब तुम आओगे तो हम तुम्हें ₹700 का सामान दे देंगे। तो प्रॉमिस दे रहे किसको, लाला जी को। 500 का वो प्रॉमिस खत्म हो गया जो पहले से अभी खड़ा था, और 700 का ये प्रॉमिस हमने दे दिया। तो ठीक है जी, आइए हम इसकी एंट्री कर डालें। बड़ी प्यारी सी एंट्री है जी, सेकंड लास्ट एंट्री है। अब तो काम ही खत्म होने वाला है। जनवरी 30 कैश तुम आ जाओ, डेबिट हटके लाला जी। मैं जैसे बोलता हूँ हटके, एक बच्चा हंसने लग जाता, पता नहीं क्या हो गया मास्टर को। बेटे क्रेडिट को लिखने से पहले हटके और टू लिखना बेटे। 1200 और बेटे मैंने नरेशन नहीं लिखी, लिखनी है बी कैश रिसीव फ्रॉम लाला जी। लास्ट एंट्री में आ गए परचेज फर्नीचर फ्रॉम लाली जी। बेटे लाली अलग है, लाला अलग है,
क्या पता लाली जी लाला जी की वाइफ हो और वो धंधा करती हो, फर्नीचर का हमें उससे नहीं लेना। देखो ध्यान से, लाली लाली, उस लाली को लाले से कंपेयर मत करना, दोनों अलग अलग पर्सन है अकाउंट्स के नॉलेज में। लाली 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 से हमने 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, फर्नीचर तुम आ जाओ, कैश तुम चले जाओ, जनवरी 31, फर्नीचर को डेबिट करेंगे भाई साहब, फर्नीचर आ रहा है, जो चीज आती है उसको डेबिट करते हैं। हट हट हट, अब बेटे कैश में खरीदा है, कोई प्रॉमिस थोड़ी दे रही है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, प्रॉमिस वाला में चक्कर ही नहीं है, हमने नगद खरीदा। तो 5,000 बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर, आराम से बैठे, बड़े भूपेश आनंद है जो एक्सप्लेनेशन लिखवाता भी है, जो स्लाइड बनवाता भी है, जो लॉजिक्स बताता है, जो ड्रामे करता है, जो बॉडी लैंग्वेज बताता है, जिससे आपको समझ आए बेटे ये प्यार है और कुछ नहीं। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन 10-15 मिनट में सारी एंट्रीज करा देता और मैं सोचता कि हो गया, लेकिन बेटा मेरा दिल है कि मानता नहीं, मुझे पता है आपको कब समझ आएगा, मैं कितना बताऊंगा तभी समझ आएगा। बेटा ये प्यार है, इस प्यार की अगर आप में सच में कदर देखनी हो तो आप बस लिखते जाओ और जो होमवर्क दूं करते जाओ। तो बेटे लेक्चर 4 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ये जो पूरा क्वेश्चन हमने किया जनवरी के महीने का, एक बार घर में बिना देखे खुद अपने आप लॉजिक समझ के, भूपेश आनंद के लॉजिक से एक बार बेटे जरूर करना, क्योंकि मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही क्वेश्चन एक अलग मेथड बेटे अमेरिकन मेथड से कराना है, यही वाला क्वेश्चन कराऊंगा अमेरिकन मेथड से। तो उसको करने से पहले ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चैपल।